हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकित शर्मा और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया सोलर। इस महामारी के दौर में मैं उम्मीद करता हूं कि आप और आपका परिवार सुरक्षित होगा। आप सरकार और मेडिकल एक्सपर्ट्स द्वारा निर्देशित हर एक नियम का पालन कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन रिन्यूएबल डैशबोर्ड के बारे में, जो इंडिया का पहला एनर्जी सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है, जहां पर इंडिया भर में जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, आपको उन सबकी जानकारी मिल जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑल इंडिया सोलर से हमारी ये कोशिश है कि हम सोलर एनर्जी बेस्ड सारी इन्फॉर्मेशन आपको लाकर दे सकें, ताकि आप ये डिसाइड कर सकें कि आपको सोलर में वेंचर करना है इन फॉर्म ऑफ अ बिजनेस, या फिर आपको घर में सोलर लगवाना है, या फिर किसी भी तरीके से आपको सोलर सेक्टर से एसोसिएट होना है। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंडियन रिन्यूएबल डैशबोर्ड इंडिया का पहला और इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको इंडिया के एनर्जी जनरेशन का सारा इंफॉर्मेशन एक जगह पे सेंट्रलाइज मिल जाएगा। मतलब कि रीजनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर कितना पावर जनरेट हो रहा है, किन किन प्रोजेक्ट्स के थ्रू, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एक जगह मिल जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है प्लेटफॉर्म इंडियन रिन्यूएबल डैशबोर्ड, जिसका URL है renewableindia.in। यहाँ पर सोलर जनरेशन का डिटेल दे रखा है, विंड जनरेशन का दे रखा है, इंस्टॉल्ड RE कैपेसिटी दे रखी है, डेली जनरेशन दिखाता है इन टर्म्स ऑफ विंड, ब्लू कलर से विंड है एंड ऑरेंज कलर से सोलर है। तो आप देख सकते हैं कि डेली कैपेसिटी कितना जनरेट हो रहा है इंडिया में। इंस्टॉल कैपेसिटी की बात करें तो हम यहाँ पर सोलर का देख सकते हैं मंथली इंस्टॉल कैपेसिटी क्या रहा है फ्रॉम मार्च 2020, आप चाहे तो यहाँ से डेट भी चेंज कर सकते हैं। विंड का भी इसमें सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। इन शॉर्ट, ये एक डेटाबेस प्लेटफॉर्म है जहां पर इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी का सारा पावर जनरेशन से रिलेटेड डेटा अवेलेबल है। जैसा कि हमने बताया था कि कितना CO2 एमिशन खत्म हुआ है और रिन्यूएबल एनर्जी की वजह से, वो भी यहां पे देख सकते हैं। 266,339 टन ऑफ CO2 एमिशन एज ऑफ 21st of April 2021 तक रिड्यूस हुआ है एनवायरमेंट से। तो इस प्लेटफॉर्म पे आपको इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड पूरा डेटा आपको एक जगह मिल जाएगा। इंडियन रिन्यूएबल डैशबोर्ड को 3 ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर बनाया है, वो है CAE, CEW एंड शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन। इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन के कोलैबोरेशन से ये प्लेटफॉर्म बना है। गगन सिंधु, जो कि डायरेक्टर है CEW के, उनका कहना है कि इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की ग्रोथ के लिए डेटा की एक्सेसिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक ये सारा डेटा एक जगह सेंट्रलाइज नहीं था, जिसकी वजह से पॉलिसी मेकर्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को, सोलर डेवलपर्स को, प्रोजेक्ट डेवलपर्स को बहुत मुश्किल होती थी किसी भी तरह के न्यू प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने में। पर अब क्योंकि ये सारा इंफॉर्मेशन एक जगह अवेलेबल है, ये सारा डेटा एक जगह अवेलेबल है, ये इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को ग्रो करने में काफी हेल्प करेगा। अभी ये प्लेटफॉर्म फेज 1 पर है। इसका मतलब यह है कि अभी यहां पर सिर्फ प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स हैं इन टर्म्स ऑफ कितना पावर जनरेट कर रहे हैं, साथ ही साथ इसमें यह भी पता चलता है कि उन प्रोजेक्ट्स की वजह से कितना कार्बन एमिशन कम हुआ है। फ्यूचर में जब इसका सेकेंड वर्जन आएगा, जब ये अपग्रेड होगा, तब प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स भी आपको मिलेंगी, जैसे कि प्रोजेक्ट का डेवलपर कौन है, प्रोजेक्ट की फंडिंग कहां से हुई है, कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने फंड की है, डिस्कॉम के साथ कोलैबोरेशन कितने का कैसा है, टैरिफ क्या है, ये सारा डेटा आपको इन फ्यूचर मिल जाएगा। इस तरह के प्लेटफॉर्म की इंडिया की बहुत जरूरत थी और फाइनली अब इस तरह का एक पूरा प्लेटफॉर्म इंडिया के पास है। खास बात ये भी है कि ये प्लेटफॉर्म एक न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, वो है डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंटिस्ट। क्योंकि अब सारा डेटा एक जगह अवेलेबल है, तो रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड कंपनीज डेटा साइंटिस्ट एंड डेटा पे काम करने वाले एक्सपर्ट्स को हायर कर सकते हैं। इट मींस अगर आप पाइथन लैंग्वेज जानते हैं, अगर आप डेटा साइंस, मशीन लर्निंग ये सब जानते हैं, तो आपके लिए रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में जॉब पाने का एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिल गया है। आपके लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी खुल गई है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, क्योंकि डेटा को अंडरस्टैंड करने का जो स्किल है वो आप ही के पास होगा। So, इस प्लेटफॉर्म की वजह से जो डेटाबेस जॉब्स हैं वो अब रिन्यूएबल एनर्जी के साथ भी कोलैबोरेट कर रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी को ग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा।
आई होप आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज इसे अपने नेटवर्क में शेयर कीजिए एंड ऑल इंडिया सोलर के इस जर्नी को सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आपके सामने सोलर इंडस्ट्री से रिलेटेड और भी जानकारियां ला सकें, ताकि आप सोलर सेक्टर में वेंचर करने के बारे में एक सही डिसीजन ले पाए। आई होप आप हमारी इस जर्नी में हमारा सपोर्ट करेंगे। थैंक यू।